दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आज सरकार नई बनने वाली है और सरकार बनने से पहले जो है यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ गया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के बाद ये बड़ा अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पहले किसानों को 6000 रुपए की सालाना सहायता राशि दी जाती थी, तो अब बताया जा रहा है कि इस राशि में बदलाव किया है और अब किसानों को 8000 रुपए दिया जाएगा। तो दोस्तों, किन किसानों को ये 8000 रुपए देने की बात की जा रही है, इसका ऑफिशियल अपडेट हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जिससे आप भी पीएम किसान की इस नए अपडेट के बारे में जान पाएं। क्योंकि आप अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से यह खबर जान रहे होंगे, लेकिन आपको कोई क्लियर नहीं बता रहा होगा कि आखिर 8000 रुपए किसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये 8000 रुपए मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस नए अपडेट को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है और बहुत से लोग इस बात को परेशान हो रहे हैं कि आधिकारिक वेबसाइट ने इस बात का कोई भी अपडेट नहीं दिया है। लेकिन फिर भी न्यूज चैनल और आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि वहाँ पर 8000 रुपए मिलने की बात की जा रही है। तो आखिर ये 8000 रुपए की बात कहाँ से आई है, इसके लिए हम आपको जो है ट्विटर पे ले चलते हैं और वहां पर आधिकारिक जो है चीज दिखाते हैं कि कैसे और कहां पर ये अपडेट किया गया है। तो देखिए, हम आ गए हैं ट्विटर पे और यहां पर हम आए हैं सीएमओ राजस्थान, और यहां पर देखिए ये आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है सीएमओ राजस्थान का, यहां पर इस बात का अपडेट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो राजस्थान के सीएम है मुख्यमंत्री श्री भजन लाल, इन्होंने यहां पर जनता के लिए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि जो केंद्र सरकार है वहां से आपको 6000 रुपए की सालाना राशि दी जाती थी, लेकिन यहां पर राजस्थान में जो है यहां पर बीजेपी के जो सीएम है इनके द्वारा 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि कम समय में फैसले दमदार, राजस्थान में काम असरदार, किसानों को सम्मान निधि राशि अब 8000 रुपया। तो दोस्तों, ये जो 8000 रुपए मिलने वाले हैं ये राजस्थान के किसानों को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये फैसला राजस्थान सरकार ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ लीजिए कि ये जो 8000 रुपए की राशि जो बताई जा रही है अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो ये अपडेट केवल राजस्थान के लिए है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आपको वहां पर 2000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, टोटल आपको वहां पर 8000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सीएम ने यह फैसला लिया है और ये उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है। तो फ्रेंड्स, ये कोई फर्जी खबर नहीं है, ये यहां पर आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपको ये खबर दी गई है। तो अब राजस्थान के किसानों को खुशी की लहर आई है और उनको 8000 रुपए जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अपडेट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।